हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन के बारे में जो कि कल आया है। यानी ये जो नोटिफिकेशन है वो आया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए उनके लिए। बट एक्चुअली जो लोग हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं यूजीसी नेट के लिए, उन्हें क्या करना है या फिर कौन से लोग जो हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यूजीसी नेट क्या है, उसका सिलेबस किस तरह से होता है, वहां पे एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो फॉर्म जो है उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीजें हम अपने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका जो यूजीसी का एग्जाम है, यानी यूजीसी जो है दो बार एग्जाम कराता है नेट का, एंड नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो साल में दो बार होते हैं यूजुअली, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक जो ये सीरीज है दो दो एग्जाम की, उनकी जो साइकिल है वो ब्रेक हो गई। जो लास्ट एग्जाम हुआ था प्रॉपरली वो हुआ था आपका दिसंबर 2019 में, उसके बाद जो एग्जाम है वो होना था आपका मई जून 2020 में। बट जो आपका जून 2020 का एग्जाम है वो कोरोना की वजह से जो पोस्टपोन हुआ, और पोस्टपोन होते होते फाइनली वो सितंबर और नवंबर 2020 में कंडक्ट हो पाया था। एंड क्योंकि एग्जाम्स इतनी लेट में कंडक्ट हुए, तो वहां पर जो एग्जाम्स होने थे दिसंबर 2020 में वो नहीं हो पाए। फिर वो जो दिसंबर 2020 के एग्जाम हैं, दिसंबर 2020 साइकिल के नाम से दोबारा यहाँ पर एग्जाम फॉर्म आए, जो कि आए आपके फरवरी एंड मार्च में 2021 में, जो कि दिसंबर 2020 के एग्जाम्स थे। और उन एग्जाम का जो डेट था, यानी उन एग्जाम को 2 मई से 14 मई के बीच में होना था 2021 में, बट कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो एग्जाम भी नहीं हो पाए। और क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो एक एग्जाम साइकिल थी या फिर जो उनके एग्जाम थे वो लेट चल रहे थे, सो उस चीज को रिकवर करने के लिए एंड उसको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए अभी एनटीए ने एक नई चीज की है, वो ये कि जो उसके जून 2021 के एग्जाम्स थे उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो कल रिलीज हो गए हैं। यानी 10 सितंबर से आपके जो एप्लीकेशंस है वो स्टार्ट हो गए हैं। जो भी इसको फॉर्म फिल करना चाहते हैं, दे कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वहां पर क्या है कि अब ये जो दोनों ही लोग हैं जिन्होंने दिसंबर 2020 साइकिल के फॉर्म भरे थे, कब भरे थे, मार्च में फरवरी में, जिसने भी फॉर्म फिल किए थे, और अभी जो अब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहां पर जो फॉर्म फिल होंगे, इन दोनों को मर्ज करके इनके जो एग्जाम है वो एक साथ होंगे अक्टूबर में। सो जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म नहीं फिल करना है, और जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए किसी भी वजह से वो लोग दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज हो गई है, वो ये कि अभी जिन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, कई जगह मास्टर्स के एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, या फिर जो मास्टर्स में एडमिशन का प्रोसीजर चल भी रहा है और जो मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमपीएड में हो या फिर आप किसी भी मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो, चाहे एमपीएड हो या फिर ना हो, आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। क्योंकि नेट में होता क्या है, वहां पर आपका जो रिजल्ट आता है, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी कर लेते हैं, इट्स सो गुड, तो वहां पर जो आपका रिजल्ट आता है उसमें ये लिखा होता है कि वो 2 साल के लिए, मतलब आपका जिस दिन रिजल्ट आया है, सपोज आपका जो रिजल्ट है वो आया है 31 दिसंबर 2021 को, तो उस रिजल्ट में लिखा होगा कि इस डेट से 2 साल के अंदर आपको आपकी मास्टर्स की जो मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो इस ये कंडीशन रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप मास्टर्स में हैं, आपने एडमिशन लिया है, तो भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अ वैलिड क्वालिफिकेशन। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक जो है डेट और बढ़ा दी गई है, अब जो है 3 साल के लिए वैलिड होगा अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं। सो काफी सारे चेंजेस आ गए हैं नेट के एग्जाम में, और ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोग को होता है कि अगर आप मास्टर डिग्री में हैं और आप फॉर्म फिल करते हैं एंड लकली अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो क्या आपका वो नेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। एग्जैक्टली, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड भी होगा, और अब जो है डेट बढ़ा दी गई है। अगर आपका जो रिजल्ट है वो लेट भी आता है, लेट आ रहा है किसी भी वजह से, तो वो भी कंसीडर होगा 3 साल तक। फिर बात करें कि आपको एग्जाम में और कौन कौन सी चीजें होती हैं नेट से रिलेटेड, तो वहां पर 2 चीजें होती हैं। जब आप नेट का जो एग्जाम है फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको वहां पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होता है
वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का और एक होता है जीआरएफ का। असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ दोनों का ही कोई अलग अलग फॉर्म नहीं फिल किया जाता है, दोनों के फॉर्म जो है वो एक साथ ही फिल किए जाते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है ओनली असिस्टेंट या फिर दोनों। तो अगर आप वो दोनों टिक करते हैं तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, कोई दूसरा फॉर्म भी फिल नहीं करना है, आप इन दोनों के लिए ही एलिजिबल हो जाते हो। कंडीशन ये है कि पहले यहां पर जीआरएफ की जो एज है वो 28 इयर्स थी, बट अभी जो है जीआरएफ के लिए जो एज है वो 30 इयर्स कर दी गई है, यानी आप 30 इयर्स तक जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो। जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ दोनों के लिए ही आप एलिजिबल होते हैं अगर आपकी एज जो है वो 30 इयर्स से कम है। और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आता है, अगर आप वहां पे जीआरएफ क्वालिफाइड होते हैं तो वहां पर दोनों चीजें लिखकर आती है, बट अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं तो वहां पर लिखता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, और अगर नहीं होते हैं तो नॉट क्वालिफाइड लिखकर आता है। इसके बाद बात करें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से यानी 10th of August से शुरू हो गया है और 5 September तक जो है वो रजिस्ट्रेशन चलेंगे, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं इफ यू वांट टू अपियर दिस एग्जाम। और साथ में ही यहां पर जो एग्जाम है उसकी लास्ट डेट फीस सबमिशन की है 6 September और करेक्शन की डेट जो है वो है 7 to 12 September जो कि ऑनलाइन है। करेक्शन में आपकी जो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी अपनी डिटेल्स भरी है वो अगर आपको गलत लगती है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर सेंटर पे जहां आपने डाला है वहां पर नहीं अवेलेबल होंगे तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं इस करेक्शन के टाइम। और यहाँ पर जो अभी टेंटेटिव डेट है अभी तक यही है, अगर सिचुएशन में फिर से कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो यहाँ पर जो एग्जाम है वो आपका 6 to 11 October है। अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास 2 महीने बाकी है नेट की प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी जो फीस क्राइटेरिया है, फीस जो है वो जनरल और अनरिजर्व वालों के लिए 1000 है पर फॉर्म, और जो EWC और OBC NCL में आते हैं उनके लिए 500 है, एंड द वन हु बिलोंग्स टू SC ST और PWD उनके लिए 250 जो है एग्जाम की फीस लगती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, आपके एग्जाम जो है वो CBT मोड पे होता है, वो बहुत पहले से हो रहा है, कोरोना के पहले से CBT मोड पे ही हो रहे हैं एग्जाम, और वहां पर आपको पूरे 3 घंटे का टाइम मिलता है यानी 180 मिनट का टाइम। क्वेश्चंस जो है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो 50 क्वेश्चंस हैं वो जनरल है या फिर उनको हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। उसके बाद जो आपके 100 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, जिस भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, फिजिकल एजुकेशन है तो वहां पर फिजिकल एजुकेशन के आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सो देयर आर टोटल 150 क्वेश्चंस और उस 150 क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो 300 होते हैं, यानी आपका हर एक क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स होता है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको सबमिट करना है फिर नेक्स्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार में आपको पूरा पेपर मिल जाता है। 180 मिनट या 3 घंटे में आपको पूरे 150 क्वेश्चन जो है जिधर देखना है जो देखना है जब लगाना है वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो नेट का एग्जाम है, अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, सो यू मस्ट हैव क्वालिफाई दिस एग्जाम। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जॉब नहीं मिलती है, अग्री। कई लोग को इसका भी कंफ्यूजन है क्या नेट क्वालिफाई करने से असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है, नहीं, आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिस तरह जो BEd और BTC वाले होते हैं वो CTET और UPTET का एग्जाम देते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो मास्टर्स डिग्री है उनके असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए होता है आपका एग्जाम। और नेट के एग्जाम से आपका PhD के एडमिशन का भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप PhD के लिए जाते हैं जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में, उस कॉलेज की अपनी अलग एग्जाम पॉलिसीज होती हैं, वो अपने एग्जाम ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम, या फिर वो नेट वालों को अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। नेट क्वालिफाई करने से आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा ऐसा भी नहीं होता है, ऐसे कई लोग के मिथ है। तो यहाँ पर जो आपका नेट का एग्जाम है वो सिंपली क्या है, कोई भी मास्टर कर रहा हुआ इंसान या फिर जिसने मास्टर किया है वो नेट का एग्जाम दे सकता है। एज अगर 30 से कम है तो GRF के लिए एलिजिबल हो जाता है, और GRF के अपने अलग फायदे हैं। GRF में अगर आप PhD करने जाते हैं तो आपको थोड़े से वहां पे सहूलियत मिलती है, आपको फेलोशिप मिलती है। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है यानी आपको जो मार्क्स लेके आने हैं वो जनरल कैटेगरी वालों को 40% एग्रीगेट मार्क्स लाने हैं दोनों ही सब्जेक्ट मिला के,
और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी से, तो वहां पर आपको 35% मार्क्स लेके आने हैं। सो ये बेसिक चीजें हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स की। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, फिल इट, ट्राई इट। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट, कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।